नमस्कार दोस्तों, अलकाश किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, जो बहुत ही देसी और यूनिक स्टाइल में बनेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक ताज़ा बैंगन चाहिए, और वो बैंगन बहुत कड़क नहीं होना चाहिए, मुलायम और अच्छा बैंगन होना चाहिए। इस बैंगन में हम थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा कट करके एक एक लहसुन थोड़ी थोड़ी दूर पर गाड़ देंगे। जिससे क्या होगा, जब बैंगन भुनेंगे तो इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसी में अगर आप चाहें तो हरी मिर्ची भी तोड़ तोड़ के धसा सकते हैं बैंगन के अंदर, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब इस बैंगन में आप लहसुन और मिर्ची अच्छे से धसा दें तो उसके बाद आप इसमें सरसों का तेल लगा दें। सरसों का तेल लगाने से क्या होगा, जब आप इसका छिलका उतारिएगा तो बहुत आसानी से उतर जाएगा। अब गैस पर कोई जाली अगर आपके पास हो तो जाली, नहीं तो ऐसे ही आप एक बैंगन को रख दीजिए। इस बैंगन को रखने के बाद आप टमाटर भी रख दीजिए और धीमी धीमी आंच पे इसको भूनते रहिए और थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहिए, जिससे आपका बैंगन जले नहीं और पक जाए। इस बैंगन को पकने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। इस बैंगन को घुमा घुमा के चारों तरफ से अच्छे से भून लेंगे। जब आपका बैंगन चारों तरफ से पक जाए तो आप गैस की आंच को बंद कर दीजिए और इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब आपका बैंगन और टमाटर थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसे धीरे धीरे पूरे छिलके को उतार लीजिए। इसको पानी से धो के इसका छिलका नहीं उतारेंगे। पानी से धोने से क्या होगा, इसका स्मोकी फ्लेवर चला जाएगा और पानी पानी का स्वाद इसमें आ जाएगा और पूरे बैंगन में पानी भर जाएगा। इसलिए इसको ऐसे ही आराम से छिलका उतारें। तेल लगाने की वजह से ये बड़ी आसानी से छिलका छोड़ देता है। अब बैंगन को चाकू की सहायता से या चम्मच की सहायता से इसके अंदर चेक कर लें कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। जब आपका बैंगन एकदम साफ़ सुथरा हो तो आप इसका भरता बनाना शुरू करें। अब बैंगन के भरते में डालने के लिए मुझे थोड़े से लहसुन की कलियाँ चाहिए, थोड़ी हरी मिर्च, बारीक कटा टमाटर, प्याज, हरी धनिया और एक नींबू चाहिए। अब भुने हुए बैंगन को एक बाउल में रखेंगे और उसमें सारी सामग्री डाल के हाथों से अच्छे से मैश करेंगे। अब इसमें नींबू का रस डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सरसों का तेल भी 1 या 2 चम्मच डालेंगे, अपनी इच्छा अनुसार। जितना आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से सरसों का तेल डालें और हाथों से अच्छे से मैश करें ताकि बैंगन में कोई लम्स ना रह जाए। लीजिए, आपका बैंगन का भरता बनके तैयार है। आप इसे एक सर्विंग प्लेट में निकालिए। इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ या जिस चीज़ के साथ इच्छा हो खाइए। और हमें आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कैसा बना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे आपको कुकिंग की नई नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और इसके साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।